ओके आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था एनाटॉमी के कुछ वर्ड्स, जिसमें एनाटॉमी खुद एक वर्ड था जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी। मैंने फिजियोलॉजी दी थी, कार्डियोलॉजी थी, बायोमैकेनिक्स था, पैथोलॉजी थी। आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने स्केलेटल सिस्टम आपको कंप्लीट करा दिया, आज हम बात करेंगे कुछ रेफरेंस पॉइंट्स के जो हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं। और वो सारे रेफरेंस पॉइंट अगर आपको नहीं पता तो आपको मस्कुलर सिस्टम या फिर स्केलेटल सिस्टम को समझने में बहुत ज्यादा इश्यू आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे। सबसे पहला सिस्टम, सॉरी नॉट एग्जैक्टली सिस्टम, सबसे पहला रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? एंटीरियर। एंटीरियर क्या होता है? एंटीरियर का मतलब फ्रंट। देखो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होते हैं, जब मैं प्लेन्स ऑफ मोशन आपको बताऊंगा, एक नॉर्मल बंदा ऐसे खड़ा होता है लाइक दिस, दिस इज माय एनाटॉमिकल पोजीशन। और ये जितने रेफरेंस पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो इसी बॉडी पे हैं, इसी तरीके से इसी बॉडी पे इसी पोजीशन में सारे के सारे रेफरेंस पॉइंट रहेंगे। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में सबसे पहला क्या होता है? एंटीरियर, एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर याद रखो, जो मुझे सामने से देख रहे हो, दिस इज माय एंटीरियर। ओके, अगर टीवी को देख रहे हो तो टीवी का ये फ्रंट पार्ट इज एंटीरियर। Got it? दूसरा है posterior. Posterior का मतलब मेरे पीछे की साइड। मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा इंटीरियर, तो posterior मेरा इसका opposite होगा। टीवी का posterior opposite, laptop का screen का posterior क्या होगा? इसका पीछे की साइड। ठीक है, थर्ड superficial। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। superficial किसको कहते हैं? देखो superficial समझने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने देखा कुछ कॉलेज में या स्कूल में बात करते थे किसी लड़के या लड़की को कह के कि वो तो बहुत ज्यादा सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल का मतलब है जो बहुत ज्यादा दिखावे में रहता है। दिखावे का मतलब क्या है? सुपरफिशियल का मतलब अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म में बताऊं, अगर मेरी ह्यूमन बॉडी एनाटॉमिकली, अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं, तो जो भी मेरी बॉडी का रेफरेंस पॉइंट, जो मेरी स्किन के जितने ज्यादा पास है, अब मैं बात कर रहा हूँ सुपरफिशियल और डीप। अगर मैं बाइसेप्स की बात, सॉरी मैं अगर आर्म की अपनी बात कर रहा हूं तो इस थिकनेस की मैं बात कर रहा हूं, तो जितना ज्यादा जो रेफरेंस पॉइंट मेरे स्किन के बिल्कुल पास में होगा उसको हम बोलेंगे सुपरफिशियल। समझे? जो भी पॉइंट मेरे स्किन के जितने ज्यादा पास रहेगा उसको हम बोलेंगे सुपरफिशियल। समझो, इतनी मोटी थिकनेस है, एक बुक है आपकी इतनी मोटी, जिसके उसका मिड पोर्शन ये है, तो उसके जो आउटर लेयर बुक के उसके इमीडिएटली जो भी रेफरेंस पॉइंट होगा वो सुपरफिशियल कहलाएगा। ठीक है, और उसी बुक के जितना ज्यादा अंदर मिड लाइन के पास जो पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे डीप। ठीक है, लोग बोलते हैं ना इंटरनल ब्यूटी, डीप, डीप मतलब बिल्कुल अंदर के साइड। तो मेरा डीप क्या होगा? क्योंकि ये जो सुपरफिशियल और डीप है, जब मैं आपको बैक मसल्स बताऊंगा तो आपकी लेट्स पे डॉल साइड ट्रेपीजियस, ये सुपरफिशियल मसल्स है, और आपके रोटारस, मल्टीफिडस, आपके स्प्लीनियस कैपिटस या स्प्लीनियस सर्विकस मसल्स की जो मैं बात करूंगा, इसमें प्राइमरली जो मल्टीफिडर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा आपके डीप होते हैं, और आपके जो ट्रेपीजियस लेट्स में डॉर्सी या डॉर्साई जिसको बोलते हैं वो आपकी सुपरफिशियल होते हैं। तो सुपरफिशियल का मतलब हो गया बिल्कुल स्किन के जो बिल्कुल क्लोज पॉइंट है, और डीप मतलब जो आपकी बॉडी के जितना ज्यादा अंदर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल किसको बोलते हैं? प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ये दो पॉइंट होते हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है? लेट्स इमेजिन मैं अपने पूरे लिम की बात करूं, दोनों हाथों की और दोनों पैरों की बात कर रहा हूं, तो अगर मेरा एक रेफरेंस पॉइंट मेरा ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, तो मेरा जो एल्बो है ये मेरे इस जॉइंट के प्रॉक्सिमल है, और मेरा जो रिस्ट जॉइंट है मेरे शोल्डर जॉइंट के डिस्टल है। अगर मैं हिप जॉइंट को ऐसे प्रॉक्सिमल मानूं तो मेरे हिप जॉइंट का जो प्रॉक्सिमल पॉइंट है वो मेरे नी है, और मेरे हिप जॉइंट का जो डिस्टल पॉइंट है वो मेरा एंकल है। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है? किसी भी रेफरेंस पॉइंट के पास में, उस लिम के आर्टिकुलेशन, उस लिम के जॉइंट के बिल्कुल पास में। ठीक है, नहीं समझ आया? प्रॉक्सिमल मतलब पी को पकड़ लो पास, डिस्टल डी को पकड़ लो दूर। अगर मैं प्रॉक्सिमल की बात कर रहा हूं तो अगर मेरे बैली बटन को मैंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया और यहां पे मैंने दो पॉइंट लगाए, पॉइंट ए पॉइंट बी, तो याद रखो जो पॉइंट ए होगा वो मेरे प्रॉक्सिमल रहेगा मेरे बैली बटन के, और मेरे जो पॉइंट बी रहेगा वो इसके डिस्टल रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या होता है? सुपीरियर का वो सिंपल सा लॉजिक होता है, किसी भी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के ऊपर का पार्ट। अगर मैं एक बैली बटन को रेफरेंस पॉइंट लेता हूं तो इसके जो ऊपर का सारा पार्ट होगा वो सुपीरियर होगा, और इस बैली बटन के जो नीचे का सारा पार्ट होगा वो इंफीरियर होगा। ठीक है, किसी भी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर के पार्ट को हम सुपीरियर बोलते हैं और उसके नीचे के पार्ट को इंफीरियर बोलते हैं। ओके, अब आते हैं मीडियल और लैटरल। जैसे मैंने लास्ट टाइम स्केलेटल सिस्टम में बताया था, मीडियल और लैटरल,
अब मीडियल का मतलब क्या है, किसी भी चीज का बीच की लाइन, बिल्कुल सेंट्रल लाइन। अगर मैं मीडियल लाइन बात कर रहा हूँ, अगेन फिर से वो रेफरेंस पॉइंट, मेरा जो बेली बटन है उससे इमेजिन करो बिल्कुल एक मेरी स्ट्रेट लाइन। तो जो भी रेफरेंस पॉइंट मेरे मीडियल मिड लाइन के बिल्कुल पास होगा वो कहलाएगा मीडियल, और जो भी रेफरेंस पॉइंट मेरी इस मिड लाइन से दूर रहेगा वो कहलाएगा लैटरल। तो याद रखो, मेरे जो लोअर लिम, ये जो जितना एरिया है अंदर का, ये सारा का सारा मीडियल है, ठीक है। और मेरे फीमर का ये जो आउटर एरिया है ये सारा लैटरल है। तो दिस इज एंटायर थिंग इज मीडियल एंड दिस एंटायर थिंग इज लैटरल। अगर मैंने अपने हाथ को इस तरीके से रखा हुआ है तो ये सारा मेरा मीडियल पोर्शन है और ये सारा मेरा लैटरल है, ठीक है। अब चलते हैं इक्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। देखो, इक्सिलेटरल का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, सर्टेन मूवमेंट। अगर ये मूवमेंट्स आपकी बॉडी के एक ही साइड में हो रही है तो ये कहलाती है इक्सिलेटरल। मतलब अगर आप ये मूवमेंट करते हैं लाइक दिस, आपने देखा जिम फ्लोर पे बहुत सारे लोग लेट के ये मूवमेंट करते हैं, तो दिस इज इप्सिलेटरल, ठीक है। और दूसरी मूवमेंट कौन सी होती है, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट साइड। अगर मैं ये मूवमेंट कर रहा हूं, इसका मतलब दिस इज अ कॉन्ट्रालेटरल मूवमेंट, ठीक है। अगर ट्विस्टिंग क्रंचेस करते हैं लाइक दिस, दिस इज अ कॉन्ट्रालेटरल मूवमेंट। और अगर मैं ये करता हूं तो दिस इज अ इप्सिलेटरल, ओके। अब हम चलते हैं यूनिलेटरल पे। यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है, यूनिलेटरल का मतलब सिंगल पार्ट ऑफ योर बॉडी इज मूविंग, सिंगल पार्ट, सिंगल जॉइंट इज मूविंग, वो भी एक साइड का, ठीक है। दिस इज कॉल्ड यूनिलेटरल। इसका मतलब क्या है, अगर मैं लाइक दिस बाइसेप्स एक्सरसाइज कर रहा हूं, ये और कॉन्सेंट्रेशन मारते हैं लाइक दिस, तो दिस इज अ यूनिलेटरल मूवमेंट, ठीक है। और दूसरी चीज में आपने रोइंग देखा है, लोग सपोर्टेड रो करते हैं, सपोर्टेड रो में भी जो आपका प्रोन पोजीशन में करते हैं बेंच पे लाइक दिस, दिस इज अ यूनिलेटरल मूवमेंट, ठीक है। अब आता है बायलेटरल मूवमेंट। बायलेटरल का मतलब क्या है, जब आपके बॉडी के दोनों साइड एक साथ काम कर रहे हैं, दिस इज अ बायलेटरल। तो आप चेस्ट प्रेस करोगे, आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे, जैसे आप स्क्वाट भी करोगे, आप बारबेल रोइंग करोगे, जिसमें दोनों साइड यूज हो रही है, उसको हम बोलते हैं बायलेटरल मूवमेंट, ठीक है। और एक और वर्ड होता है बायलेटरल, का मतलब क्या होता है, बायलेटरल को प्राइमरली हम क्या बोलते हैं, इमेजिन आप किसी बारबेल पे कर रहे हैं, बारबेल को लेके बायलेटरल मूवमेंट कर रहे हैं, जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और आपका लेफ्ट और राइट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है, जब आप बारबेल पे, देखो हर किसी की ह्यूमन बॉडी में लेफ्ट और राइट बिल्कुल अलग अलग तरीके से, नॉट एग्जैक्टली अलग तरीके से, लेकिन हमेशा अगर मैं राइट हैंडेड हूं तो मेरा राइट साइड स्ट्रांग होगा, अगर मैं लेफ्ट हैंडेड हूं तो मेरा लेफ्ट साइड स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम बहुत सारी बायलेटरल मूवमेंट करते हैं या फिर बाबल के थ्रू करते हैं, तो उसके अंदर इमेजिन मेरा जो फटीग है, अगर मैं राइट हैंडेड हूं तो मेरा जो लेफ्ट हैंडेड फटीग, बॉडी का जो फटीग लेवल है वो जल्दी आ जाएगा एज कम्पेयर टू राइट। तो उसमें क्या होगा, मेरा राइट कंपनसेट कर देगा मेरे लेफ्ट की मूवमेंट को, तो कहीं ना कहीं राइट मेरे को सपोर्ट करेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मुझे इक्वल डेवलपमेंट मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ में नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बायलेटरल। एक और मूवमेंट होती है जिसको हम आइसोलेटरल बोलते हैं। आइसोलेटरल का मतलब क्या है, जैसे बायलेटरल में दोनों साइड काम करते हैं, आइसोलेटरल में भी आपके दोनों साइड काम करते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर मतलब इमेजिन आप डंबल से एक्सरसाइज कर रहे हो, चेस्ट प्रेस मार रहे हो डंबल से, और अगर बायलेटरल मूवमेंट कर रहे हो, चेस्ट प्रेस मार रहे हो बारबेल से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रोन और सुपाइन। अब प्रोन पोजीशन क्या होता है, सुपाइन क्या होता है, बहुत सिंपल टर्म में मतलब क्या है, जब आप जमीन पे या फिर किसी बेड पे उल्टा सो रहे हो, आपकी पीठ आसमान की तरफ हो, उसको हम बोलते हैं प्रोन। और जब आप बेड पे सीधे लेटे हो, जब आपका फेस आसमान की तरफ हो, वो होता है सुपाइन पोजीशन, ठीक है। अगर मेरे हाथ को ऐसे पकड़ा हुआ है, दिस इज ए सुपाइन पोजीशन, इसको मैंने जैसे उल्टा किया, दिस इज ए प्रोन पोजीशन, ठीक है। अगर डॉक्टर आपको बोलता है सुपाइन पोजीशन में लेट जाओ, इसका मतलब आपको पीठ के बल लेटना है, सीधा लेटना है। और अगर आपको कोई बोलता है प्रोन पोजीशन में लेट जाओ, इसका मतलब आपको उल्टा लेटना है, ठीक है। चलो अब कहते हैं वेलगस और वेरस। अब देखो वेलगस और वेरस किसको कहते हैं, ये एक सर्टन आपकी मेडिकल प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर जो आपका नीज होती है, ये नीज, अगर मैं वेलगस किसी को है तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की जो नीज है वो अंदर की साइड चली जाती है लाइक दिस, अंदर की साइड चली जाती है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन। और जब नीज अंदर जाती है तो आपका डिस्टल एंकल वो बाहर की साइड चला जाता है,
ठीक है, इस पोजीशन, इस पर्टिकुलर कंपनसेशन को बोलते हैं वेलगस, और बहुत सारे लोगों में जिसको हम केविंग इन भी बोलते हैं, नीज केविंग इन, केव का मतलब क्या होता है लाइक दिस, और केविंग इन मतलब केव अगर कोलैप्स होती है तो अंदर की साइड गिरती है, तो सेम चीज वेलगस में कैसे होगी लाइक दिस। और वेरस किसको बोलते हैं, वेरस का मतलब क्या होता है नीज बोइंग आउट, बोइंग आउट का मतलब क्या होता है आपने देखा है एरो, बो एंड एरो देखा है, उसको इसी तरीके से खींचते हैं, बहुत सारे लोगों को जब आप देखोगे तो उनकी नीज वो बाहर की साइड चली जाती हैं, एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, और जो उनका डिस्टल एंड होता है, जो एंकर होता है, वो एक दूसरे के पास आ जाता है। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं आपका वेरस। नेक्स्ट, हाँ, आम किसको बोलते हैं, देखो आम का मतलब क्या, ये नहीं होता ये पूरी आम है, आम का मतलब दिस रीजन, और फोर आर्म का मतलब क्या होता है दिस, तो मेडिकल में दिस इज योर आर्म, दिस इज योर फोर आर्म। थाई और लेग, देखो थाई और लेग में मेडिकल टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थाई का मतलब क्या होता है दिस पोर्शन, और लेग का मतलब क्या होता है आपके नी से नीचे का, ठीक है, दिस इज योर लेग, दिस इज योर थाई। अब आता है इन्वर्जन और इवर्जन, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन और इवर्जन आपके एंकल ज्वाइंट पे होता है, ठीक है, एंकल ज्वाइंट में इन्वर्जन और इवर्जन क्या होता है लाइक दिस, ये जो मूवमेंट आपकी होती है, अगर आपका एंकल अंदर की साइड मूव करे, आपने देखा चलते चलते किसी का एंकल ट्विस्ट हो जाता है, तो अगर आपका एंकल चलते चलते या किसी भी तरीके से अंदर की साइड मूव करता है मिड लाइन की तरफ, उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन, और यही एंकल जब बाहर की साइड मूव करता है इसको हम बोलते हैं इवर्जन। इन्वर्जन एंकल अंदर की साइड मूव करे, इवर्जन एंकल बाहर की साइड मूव करे, ठीक है। अब आता है डोर्सल और वेंट्रल, अब देखो डोर्सल और वेंट्रल का मतलब क्या होता है, इमेजिन मैं सीधा खड़ा हूं, ठीक है, सीधे खड़ा होने में मेरा एंटीरियर पार्ट ये हो गया, मेरा पोस्टीरियर पीछे हो गया, सुपीरियर मेरा ऊपर का हो गया, इंफीरियर नीचे का। अब इमेजिन करो मैं इसी तरीके से जमीन पे दोनों हाथों पे और अपने नीज पे इस तरीके से बैठ जाता हूं, ठीक है, लाइक एनिमल, तो उस टाइम पे मेरा एंटीरियर कौन सा होगा पोस्टीरियर कौन सा होगा, उस टाइम पे क्या होगा, जो चीज मेरी एंटीरियर है वो सुपीरियर हो जाएगी, जो सुपीरियर है वो एंटीरियर हो जाएगी। और इसमें आप रेफरेंस पॉइंट कैसे बताएंगे, तो याद रखो जो भी पीठ का एरिया है आपका, जो भी पोस्टीरियर पीठ का एरिया है उसको हमेशा डोर्सल बोलते हैं, और जो भी आपका स्टमक जो आगे फ्रंट का टमी एरिया है ये जो रीजन होता है इसको बोलते हैं वेंट्रल। तो पीठ एरिया जो आपका बैक साइड का सारा एरिया डोर्सल कहलाएगा, और जो आपका फ्रंट एरिया है ये हमेशा वेंट्रल कहलाएगा, दिस इज वेंट्रल दिस इज डोर्सल, ठीक है। अब दो चीजें और आती हैं जिसको हम बोलते हैं काइफोसिस और लोडोसिस। अब काइफोसिस किसको कहते हैं, लोडोसिस किसको बोलते हैं, देखो हमारी जो स्पाइन होती है, जो वर्टिब्रे कॉलम होता है, उसका बहुत स्पेसिफिक लोडोसिस कर्वेचर होता है। लोडोसिस कर्वेचर का मतलब क्या, तो लोग कहते हैं कमर सीधी करके बैठो, कमर कभी सीधी नहीं होती, सीधी होगी इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम आ गई है, कभी सीधी नहीं होती, उसका एक आइडियल कर्वेचर होता है। तो उस कर्वेचर में क्या होता है, आपने देखा है सर्वाइकल रीजन वो हमेशा थोड़ा सा एंटीरियर जाता है, फिर जो थोरासिस रीजन है वो थोड़ा पोस्टीरियर कर्व में चला जाता है, और लंबर एरिया फिर से एंटीरियर कर्व में आ जाता है। तो जो कर्व आपका एंटीरियर की साइड में होता है वो कहलाता है आपका लोडोसिस, और जो कर्व आपका पोस्टीरियर साइड में होता है वो कहलाता है काइफोसिस। तो जो थोरासिस रीजन है वो है काइफोसिस होता है उसमें, काइफोसिस कर्वेचर, और जो आपका लंबर और सर्वाइकल होता है वो कहलाता है लोडोसिस कर्वेचर, ठीक है। हाँ, अब आता है आपका, हाँ दो तीन चीजें मैं आपको और बता देता हूं, जिसको हम बोलते हैं रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन। रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी आप को किसी इंस्ट्रक्टर ने बताया होगा स्कैपला को रिट्रैक्ट करो, रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अगर ये स्कैपला है आपके तो मिड लाइन की तरफ मूव करते हैं, जैसे आर्मी में होते हैं, आर्मी के बंदे आपको बोलते हैं, मेजर बोलता है चेस्ट बाहर और पेट अंदर लाइक दिस, तो जैसे ही आप अपने चेस्ट को बाहर निकालते हैं आपके जो स्कैपुला है वो मिड लाइन की तरफ मूव करते हैं लाइक दिस। तो जैसे ही मेरी पोजीशन आएगी मेरे स्कैपुला रिट्रैक्ट हो गए, रिट्रैक्टेड मतलब उनकी मूवमेंट मिड लाइन की तरफ हो जाती है, दिस इज रिट्रैक्शन। और एक बंदा जो कभी कभी बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है, जिसके कंधे झुक जाते हैं, एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं, कुछ भी है, तो कैसे चलता है लाइक दिस, इसका मतलब अगर मैं ये मूवमेंट कर रहा हूं इट मींस माय scapula is getting protracted, so this is protraction, this is retraction, retraction का मतलब scapula midline की तरफ जा रहे हैं, protraction जब वो midline से दूर जा रहे हैं, ठीक है। और दो reference point जो पीछे वाले आपने इसमें मैं डालना भूल गया हूँ,
आपका प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सीफ्लेक्शन। इसको वैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन आप समझो डोर्सीफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन किसको बोलते हैं। देखो ये आपका यहाँ एंकल पे होता है, एंकल तो क्या आपका यहाँ दिस पर्टिकुलर एरिया में होता है। तो याद रखो जो आपका ऊपर का पार्ट है दिस इज कॉल्ड डोर्सी या फिर डोर्सल जिसको बोलते हैं, और जो आपका नीचे का पार्ट है ये कहलाता है प्लांटर। तो पैर के दिस रीजन इज कॉल्ड डोर्सी डोर्सल, और पैर के नीचे को क्या बोलते हैं, प्लांटर। ठीक है, और एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं फिमोरल एंटीवर्जन। अब एंटीवर्जन किसको बोलते हैं, यहां पे आपको दिख रहा है। देखो एंटीवर्जन बेसिकली आपका जो फीमर होता है और फीमर का जो नेक ऑफ द फीमर हेड ऑफ द फीमर होते हैं उनका थोड़ा सा जो एस्टेबलम में जाके फिट होते हैं, अगर वो एंटीवर्जन है तो उसका मतलब क्या होता है, उनकी आइडल पोजिशनिंग होती है आपके हेड ऑफ द फीमर की, जो आइडली वैसी ही होनी चाहिए। समझो ये आपका हेड ऑफ द फीमर है, ये शाफ्ट है, ये एस्टेबलम है, सॉरी नॉट शाफ्ट, दिस इज एस्टेबलम। ओके, तो उसमें ऐसे जाके फिट होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जेनेटिक फैक्टर होता है या फिर किसी को डिफेक्ट होता है, वो एंटीवर्जन मतलब वो ऐसे फिट होता है लाइक दिस। ठीक है, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एंटीवर्जन। एंटीवर्जन में क्या होता है, बॉडी कंपनसेट करने के लिए आपके इंटरनली रोटेट कर जाती है अपने आप को। तो उस बंदे का जो एंकल होगा, जो पूरा फीमर होगा, वो इंटरनली रोटेट हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, और दूसरी क्या होती है जिसको हम रेट्रोवर्जन बोलते हैं। रेट्रोवर्जन का मतलब क्या होता है, लाइक दिस। एंटीवर्जन में आपका ऐसे जाके इंसर्ट हो रहा है, रेट्रोवर्जन में थोड़ा सा वो डिफरेंट तरीके से चला जाता है, पीछे की साइड जाके उसके अंदर फिट होता है। तो जिससे क्या होगा, आपका जो लोअर लिम्ब है, जो फीमर है, वो एक्सटर्नली रोटेट हो जाएगा, बॉडी कंपनसेट करेगी एक्सटर्नली रोटेट करने के लिए। ठीक है, और एक और टर्म होता है जिसको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है, आपका जो शाफ्ट है और जो आपका नेक ऑफ द फीमर है वो एक एंगल मेंटेन करती है। ठीक है, अब हाँ सॉरी, रेट्रोवर्जन और एंट्रोवर्जन का जो आइडियल एंगल होता है दैट इज बिटवीन 10 to 15 degrees, जो नॉर्मल होता है। अगर उससे ज्यादा या कम होता है, तो अगर उससे ज्यादा होगा तो एंट्रोवर्जन में चला जाएगा, उससे कम होगा 10 to 15 degrees से तो वो रेट्रोवर्जन में चला जाएगा। और दूसरा होता है जिसको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, समझो ये आपकी शाफ्ट है, ये आपका फीमर है, इसके अंदर दिस इज योर नेक ऑफ द फीमर और आपका हेड ऑफ द फीमर। तो ये जब एस्टेबलम में जाके फिट होता है तो एक सर्टेन एंगल बनाता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो आपका 120 डिग्री से 135 डिग्री होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों में ये जो एंगल है ये या तो कभी ज्यादा होता है या कम होता है। अगर ये प्रॉब्लम भी होती है तो उन लोगों को स्क्वाट करने में या चलने फिरने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मोलॉजी। हाँ, एक चीज और मिस हो गई है, क्यू एंगल किसको बोलते हैं, आपने सुना होगा या आपके मैनुअल्स में या कभी आपने पढ़ा होगा इस बारे में, क्यू एंगल लिखा होता है। क्यू एंगल का मतलब कुछ नहीं होता, क्वाड्रिसेप एंगल होता है। और इस क्यू एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं, इमेजिन आपका ASIS एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से एक सीधी लाइन जाती है आपकी पटेला तक, और एक आपकी टिबियल टिब्रोसिटी से एक सीधी लाइन आती है। तो ये जो एक एंगल बनता है क्वाड्रिसेप टेंडन का जो एक एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं क्यू एंगल। ठीक है, ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही है, थैंक यू।